बेटा हमारे और कुमार ये लिया है मैंने अपना और कुमार का। अभी बज रहा है सुबह के 8, अभी तक हम नहीं निकले। टुडे इज रिपब्लिक डे, सो मैं जा रही हूँ हाई कोर्ट। मैंने ये ऐसे एक सिंपल सा ड्रेस पहना, बिकॉज ठंड में मैं सारी वारी नहीं पहन सकती, तो इसलिए मैंने ये वाला पहना। यू कैन सी द वेदर, सब लोग कितना मेहनत करते हैं उसी। हैट्स ऑफ टू देम, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते, हॉलीडेज मिलता है हम लोग को, कितना कुछ मिलता है, लेकिन उनको देखो, दे आर वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ग्रेट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं ऑन द वे टू हाई कोर्ट। बनी को ड्रॉप किया है मम्मी की यहाँ पे, बहुत लेट हो गए, निकलना था 8 बजे, अभी बज रहे हैं 8:12 और समथिंग, पहुँच जाएंगे 8:30 को। हाईकोर्ट का फ्लैग होस्टिंग है एंड 8:40 को हमारे बार का, मतलब हाईकोर्ट ऑफ त्रिपुरा हाईकोर्ट बार का जो होता है ना, वो हर साल वो वाला है। तो चलो, हाँ सबसे पहले ये बता देती हूँ, पता नहीं ये ब्लॉग बहुत लेट जाएगा, बिकॉज आई टेल यू आई एम नॉट एबल टू अपलोड एनी ब्लॉग्स नाउ डेज, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम। मैं अपना पूरा टाइम बनी के साथ स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ आजकल, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज मुझे पता है मैं उसको टाइम नहीं दे पाती इतना। तो फिर ब्लॉग्स मैंने बहुत सारे बना के भी रखे थे, लेकिन मैं उसको एडिट करके अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो इसे मैंने सारे मतलब डिलीट कर दिए थे। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बनी को दूँ, और इसके बाद वाला टाइम तो मुझे काम पे रहना पड़ता है, क्योंकि बनी एक दिन बड़ा हो जाएगा, फिर आई डोंट वांट टू रिग्रेट दैट आई कुडंट गिव हिम टाइम और आई कुडंट स्पेंड टाइम विद हिम। तो एनीवेज यहाँ पे हम पहुँच गए थे हाई कोर्ट। इसके बाद वेदर बहुत ही अच्छा था, ठंड भी था थोड़ा हल्का, मतलब यू नो इतना भी ज़्यादा वो बर्फ वाला ठंड नहीं था। कहीं से यहाँ पे बहुत लोग चढ़ रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी मुझे पता है सारे जजेस भी पहुँच गए होंगे। सो एज लास्ट ईयर मैंने दिखाया था सेलिब्रेशन, आज इस साल भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो हियर वी गो। সূর্য উঠেছে একদম বাজে কথা। Happy Republic Day. Happy Republic Day. হ্যাঁ স্যার তুলে দেব। ভিডিও করলে তো আসবে না, প্রত্যেক বাড়ি তুলে আমরা তো দেখতাম না। তোমরা সামনে যাও গে, সামনে যাও, পিছনে রাখো সাইডে দাও, আমরা তো আবার শর্ট। Alam Guru. Alam Guru. Alam Guru. Alam Guru. Alam Guru.
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हम लोग तो बाद में बोलेंगे।
চকলেট দিও সব কম লাগতো না আমি দেখে দেখো यहाँ पे कितना रश है स्वीट्स वगैरह हला चो बेटा हमारा और कुमार है ये लिया है मैंने अपना और कुमार का मीठा स्वीट्स पैकेट नाउ आफ्टर ओपनिंग लेट अस सी व्हाट्स इनसाइड ओह माय गॉड रेस्ट इफ समबडी वांट्स टू ईट नो ले जाएंगे द थिंग इज दैट सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ये सब कौन खाता है लेकिन ठीक है आई कैन हैव दिस वन एंड दिस वन तो मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं खाऊंगा आई हेट कचौड़ी I'll give to my mom, no problem. And this one is good. चलो अभी start करते हैं इस बार पता नहीं कोई भी नहीं आया क्यों मतलब बहुत खाली खाली बहुत लोग आते हैं हर साल लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम लोग आए हैं मतलब हमारे लॉयर्स में से सिर्फ यू नो सीनियर एडवोकेट्स कुछ एक दो ही आए हैं और प्रेसिडेंट ऑफ द बार एंड पी पी यही लोग आए हैं बस दैट्स इट यू कैन सी यहाँ पे हो रहा है प्लांटेशंस हर साल होता है हमारे यहाँ पे प्लांटेशंस पहले जजेस वगैरह करते हैं इसके बाद हम सब करते हैं थोड़ा बहुत लगाते हैं यू कैन सी पेड़ वगैरह বর্ষা দিদি তুমি এবার আমার ব্লগে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকি দিদি ভাগ্য লক্ষ্মী আসেনি सुबह अगर मैं ब्रेकफास्ट में चावल नहीं खाती हूँ ना तो मेरा सिर मतलब गैस एसिडिटी हो जाता है ये सब मिला खा के और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी हम वेट कर रहे हैं बनी इज़ कमिंग तो पता नहीं इसके बाद क्या क्या आज का कोई प्लान नहीं है बस मुझे थोड़ा मेहंदी लगाना है बिकॉज कल मेरा एनिवर्सरी है तो हर 26 को मैं मेहंदी लगाती हूँ तो हल्का सा ही लगाऊंगी क्योंकि इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट वाला होता है ना मेहंदी का वो मुझे अच्छा नहीं लगता ये खुर कर 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 जो वो घिसता रहता है ऐसा बनी आज उठ गया 6 बजे और इसके बाद वो सोया ही नहीं अभी उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है शायद के बाद ही 27 जनवरी को हमारा एनिवर्सरी होता है बहुत लोग को पता ही होगा सिंस ये ब्लॉग बहुत बाद में जाएगा बहुत लेट अपलोड हो रहा है तो सॉरी तो कुमार गए हैं यहाँ पे फाइटर मूवी का टिकट करने A few moments later. तो इसके बाद लंच वगैरह करके बनी को सुला के मुझे देना था मेहंदी
तो मैंने बनी को मेहंदी लगा के बनी को सुला के, कुमार थे घर पे, मैं जा रही थी मेहंदी लगाने बिकॉज सिंस का इसके बाद वाले दिन मेरा एनिवर्सरी था, तो मैं हर साल 26 जनवरी को मेहंदी लगाती हूँ हाथ में, जस्ट टू कीप द मतलब जो हमेशा मैं करती आई हूँ वो वाला। मैं जा था कि शादी के पहले दिन ही मैंने मेहंदी लगाया था, तो इस बार भी मैं जा रही थी वही जगह मेहंदी लगाने। तो ये है बिग बाज़ार, मतलब जो स्मार्ट बाज़ार है उसके नीचे जो भैया बैठते हैं वो। तो मैंने ऐसे इस बार मैंने बहुत कम लगाया है मेहंदी, मैंने बहुत ही सिंपल सा लगाया इस बार, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम होता है इतना भर के लगाने से टाइम रखना पड़ता है, और फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में सिर्फ 1 घंटा रखा है, हार्डली 1 आवर रखा है मैंने सूखने के लिए, बिकॉज बनी भी उठ गया था, प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मुझे अभी उसको खाना भी खिलाना पड़ा, आज सब कुछ चौपट हो गया, मतलब उसका शेड्यूल हम फॉलो नहीं कर पाए, सुबह भी हम चले गए हाई कोर्ट, उसके बाद वो बहुत रो रहा था सोने के लिए, उसको सुला के मैं गई थी मेहंदी लगाने, एंड छोटा सा हल्का सा लगा के आई हूँ ऐसे दोनों हाथों में, सेम डिज़ाइन मैंने बोला, एंड बस कुमार का इधर एक नाम एनीवेज गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस ब्लॉग, ये छोटा सा एक ब्लॉग होगा एक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का हाई कोर्ट का, और मेरा जो कल सेल है एनिवर्सरी है उसके लिए क्या प्रिपरेशन, छोटा कुछ सेलिब्रेशन नहीं होगा, ऐसे थोड़ा फाइटर मूवी देखेंगे एंड शाम को रात को थोड़ा बाहर डिनर करेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सब कुछ अगर ठीक रहा तो नेक्स्ट ईयर हम बड़ा करके सेलिब्रेट करेंगे, लेट्स सी, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो या गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस ब्लॉग, बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग्स नहीं डाला, आई होप यू विल शो सम ऑफ योर लव टू दिस ब्लॉग, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय, लव यू।